कहते तो हैं बहुत लोग, जैसे मनरेगा हो गया, केंद्र सरकार का एक 15वीं योजना बनाया गया है, बनाया तो गया है, उसको छेड़छाड़ कानून को किया जा रहा है, तो कहने से नहीं ना होता है। डिजिटल भारत बनाने का प्रयास किया जा रहा है, आप जो है व्यवस्था नया बना रहे हैं, तो मुखिया जी के लिए भी तो व्यवस्था नया बनाइए। मुखिया जी को जो हत्या हो रहा है उसके लिए व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, और आपने केंद्र और बिहार सरकार मिलकर नया व्यवस्था लागू कर रहे हैं, और मुखिया जी को हत्याएं हो रही है उसके लिए कोई अभी हम पटना के दरोगा राय पथ पर हैं और यहाँ पर बिहार के तमाम जिला के तमाम पंचायत से मुखिया आए हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मार्च भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये लोग मुखिया लोग हैं जो यहाँ पर सड़क पर बैठे हुए हैं और अपनी मांग को रख रहे हैं। पीछे में सैकड़ों की तादाद में विभिन्न पंचायत से मुखिया जो है यहाँ पर आए हुए हैं। इन लोगों की मांग है कि मनरेगा में NMMS बंद करो, ग्राम पंचायत के मुखिया को सुरक्षा दो, मुखिया लोग हैं जो सुरक्षित अपने आप को नहीं महसूस करते हैं, पंचायत स्तर से नियोजन प्रक्रिया को छेड़छाड़ बंद करो, ग्राम पंचायत के मुखिया को सुरक्षा दो, ये हाथ में बैनर लेकर के ये सभी लोग जो हैं अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सभी मुखिया हैं जो अपने ग्राम पंचायत में लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन आज ये लोग जो है सड़क पर उतरे हुए हैं। अभी हमारे साथ पुनपुन प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष के पति संतोष भारती हैं और एक समाज सेवी भी हैं। बगल में एक और बहरामा पंचायत है, बसियामा पंचायत है, मसौरी के प्रखंड अध्यक्ष मुखिया संघ के हैं और ये जो बताएं ये भी पंचायत के हैं, मुखिया जी हैं। ये सभी पटना जिला के हैं। आप पटना जिला के हैं? मसौरी से हैं और पुनपुन से, सीतामढ़ी से पीछे हैं भैया। सभी लोग अलग अलग जगह से आए हुए हैं, पीछे और भी जो दूर दूर से आए हुए हैं, और देखिए ये सभी लोग जो है यहाँ पर आ करके अपनी मांगों को रख रहे हैं। अभी हमारे साथ संतोष भारती भैया हैं, क्या मांग है आपका? देखिए सबसे पहले तो हम लोग काफी दिनों से जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और हमारे आए दिन जनप्रतिनिधियों भाइयों को दर्जनों के में हत्याएं हो चुकी है, भेड़ बकरी की तरह काटा जा रहा जनप्रतिनिधि। सरकार से मैंने बहुत बार इसके लिए मांग किया गया और आज तक कोई व्यवस्था नहीं किया गया। बहुत हमारे जनप्रतिनिधि भाई बंधु अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से आर्म्स के लिए अप्लाई किया गया है, तो जब सुरक्षा की व्यवस्था नहीं दिया जाता है, जो व्यक्ति आर्म्स के अप्लाई किए हैं कम से कम उसको निर्गत तो कर दिया जाए, नहीं सुरक्षा बिहार सरकार दे रहे हैं और नहीं आर्म्स की व्यवस्था किया जा रहा है। तो मैं बिहार सरकार से आग्रह करता हूँ या आप सुरक्षा दीजिए या नहीं तो जो मुखिया जी हमारे पंचायत के आर्म्स के लिए अप्लाई कर चुके हैं उनको निर्गत कर दिया जाए। और जैसे जिस तरह से बिहार सरकार का गठन किया गया है, जैसे केंद्र सरकार का गठन किया गया है, उसी तरह से जिला सरकार को गठन किया गया है, उसी तरह से पंचायत सरकार को गठन किया गया है। और आज हम लोग के जनता जो है पंचायत में चुन के मुखिया बनाए हैं और मुखिया हम लोग कोई 13 गांव के हैं, कोई 18 गांव में है किसी में जुड़ा हुआ है। और जिस तरह से हम लोग रात बिरात जनप्रतिनिधियों हैं और आए दिन आम जनता के व्यवस्था के लिए रात दिन आते जाते रहते हैं, उसमें बहुत जनप्रतिनिधियों को हत्याएं हो रही है और हत्याएं में सरकार संज्ञान नहीं ले रहे हैं। सरकार से मेरा आग्रह है कि सबसे पहले जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा देगी तभी तो वो पब्लिक को काम कर पाएंगे। लेकिन अभी इससे पूर्व जो पंचायती राज के मंत्री थे सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा था कि जो भी मुखिया हैं उन लोगों को सुरक्षा दिया जाएगा, तो आप लोग को मिला कि नहीं मिला? अरे देखिए कहते तो हैं बहुत लोग, जैसे मनरेगा हो गया, केंद्र सरकार का एक 15वीं योजना बनाया गया है, बनाया तो गया है, उसको छेड़छाड़ कानून को किया जा रहा है, तो कहने से नहीं ना होता है, लागू हो तब ना, लागू नहीं ना हो रहा है। चलिए हमारे साथ और भी हैं, आप कहाँ से हैं? मसौरी से हैं, शाहबाद पंचायत। शाहबाद पंचायत से आपकी क्या मांग है? सभी का पूरे बिहार का मुखिया का मांग है, सुरक्षा का मांग है, नरेगा में जो कटौती हो रहा है, अधिकार का कटौती हो रहा है,
मनरेगा में जो दो बार फोटो लेने का है, बहुत सारे देहाती क्षेत्र में नेटवर्क का प्रॉब्लम है जिसके कारण गांव में टावर नहीं रहता है, बहुत जगह पर टावर नहीं, मेरे गांव से मतलब नहीं है, पूरे पंचायत का मामला है, पूरे गांव में बहुत जगह पर टावर नहीं है और मनरेगा के मजदूरों को मजदूरी कम है। क्या चाहते कि पहले हमारे नेटवर्क सही किया जाए, नेटवर्क सही किया जाए, मजदूरी बढ़ाया जाए और व्यवस्था था जो पहले, इससे पहले 10 साल जो पहले व्यवस्था किया गया था पंचायती राज के द्वारा वही व्यवस्था लागू रहे, लेकिन यहाँ पर तो डिजिटल भारत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आप जो है व्यवस्था नया बना रहे हैं तो मुखिया जी के लिए भी तो व्यवस्था नया बनाइए, मुखिया जी को जो हत्या हो रहा है उसके लिए व्यवस्था नहीं कर रहे हैं और आपने केंद्र और बिहार सरकार मिलकर नया व्यवस्था लागू कर रहे हैं, अब मुखिया जी को हत्याएं हो रही है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आप बोलिए, पीछे से क्या बोल रहे हैं? क्या विधायक जी का हमेशा देखते हैं कि उनका सैलरी बढ़ाया जा रहा है, मुखिया जी को 2500 रुपया दिया जा रहा है, बताइए मनरेगा मजदूर को मात्र 210 रुपया का रोज दिया जा रहा है, 210 रुपया में आप काम करेंगे? कोई भी काम करेगा? कड़वा सवाल पूछे जी जी जरूर जरूर। देखिए हमारा नहीं है, सभी लोग का सवाल है, बोलते हैं कि मुखिया जी जो होते हैं पहले साधारण होते हैं लेकिन जैसे ही मुखिया बनते हैं 2500 रुपया मिलता है उसके बाद भी वो स्कॉर्पियो खरीद लेते हैं, स्कॉर्पियो से चलने लगते हैं जी, इसका जवाब ये आप बोलिएगा। हम हमारा सवाल नहीं है, जनता का सवाल है। हम मुखिया संघ के अध्यक्ष है मसौरी प्रखंड का, हम लगातार 11 से अभी तक मुखिया हम हैं। मेरी पत्नी मसौरी के उप प्रमुख भी रही है, अभी वर्तमान में पंचायत समिति ही मेरी पत्नी है, हम मुखिया भी हैं। अभी तक हम गाड़ी लिए हैं उसका किस्त नहीं भराया है। अच्छा तो ये बताइए, आपने कहा सवाल कहा कि मुखिया जी बनते हैं 1 करोड़ रुपया कमा लेते हैं, अब बोला ही बात को तो क्या गाड़ी कैसे खरीदा है? हाँ 12 बीघा का खेत है, बाबूजी इंजीनियर हैं, उसके बाद भी गति मेरे पास है। अब रही बात, डीएम कोई भ्रष्ट है, मुख्यमंत्री कोई भ्रष्ट है, प्रधानमंत्री कोई भ्रष्ट है, क्या उसका उसको कानून के तहत उसको अधिकार काट दिया जाता है? मुखिया संवैधानिक पद में है, भ्रष्ट है तो उसको भ्रष्टाचारी मुखिया को फांसी दे दो, लेकिन जो ईमानदार मुखिया है उसका उसका जो है नियम कानून के तहत घटेगा, से बताइए हमको। हमको ये कहना है, अब रही बात, एक तरफ सरकार 3 गो ही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत सरकार। केंद्र सरकार थपरी बजा के अपना बजट पास कर लेता है, बिहार सरकार थपरी बजा के अपना बजट पास कर लेता है और पंचायत सरकार जो दुखिया का हितैषी मुखिया होता है उसको बजट के लिए टाइड अनटाइड हेन्ने कबीर अंत्येष्टि होने फलना फलना व्यवस्था है, ये कबीर अंत्येष्टि है जिसको सरकार पैसा नहीं देती है, हम लोग मुखिया देते हैं जितना औकात है उस हिसाब देता है लोग, और उसके बाद बोलता है क्या कि आपको खाता में पैसा आएगा, मरल लाश रहेगा 3 महीना बाद उसको उसको कफन व्यवस्था करेंगे। आइए 400 पेंशन मिलता है गरीबों का, 400 पेंशन में क्या उसको गुजारा होगा इतना महंगाई में, गैस इतना महंगा है। भैया एक सवाल और, इस बार ठंडा के मौसम में गरीबों के बांटने के लिए कितना कम्बल आप लोग को मिला था? 10 गो 10 गो पूरे पंचायत में? 10 गो पूरे पंचायत में 10 ही गरीब है? 10 को मिला था, 6 गो मिला था, 6 गो मिला हुआ था आपको? 6 गो मिला था? हाँ अभी एक पंचायत में 6 गो मिला था बस, आपको 10 गो मिला था? मसौरी में 10 गो मिला था। और आपको भैया? नहीं कुछ फुनकुन में किसी को नहीं मिला है। आपको कमल बांटने के लिए पैसा ही नहीं मिला? नहीं 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 कोई पंचायत में एक भी नहीं मिला, सब ऊपर से ऊपर कमल बांटने के लिए मिला? नहीं नहीं मिला, 10 गो मिला हम लोग को, 10 गो बांटे। बताइए अब जरा सोचिए कि ये सभी मुखिया लोग है, मैं इनके तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, एक सवाल बोल रहा हूँ इसका कि ये मुखिया हैं, ये भी मुखिया हैं, ये भी हैं, बिहार के तमाम मुखिया हैं, अब एक पंचायत में 10 कम्बल बांटने के लिए मिलेगा, 7 कम्बल मिलेगा, 6 कम्बल उनको मिला है तो पूरे पंचायत में 6 गरीब होंगे और ए वो के बांटेंगे तो 10 लोग आएंगे बोले हैं कि हमको नहीं बांट रहे, बोले हैं कि हमारा पैसा खा गया, ये हम नहीं बोल रहे हैं, हम इस बात को पुष्टि नहीं कर रहे हैं, इन्हीं लोग बोल रहे हैं। बोलिए 10 गो कम्बल के बात नहीं, बहुत छोटा चीज है, कम्बल तो 10 गो मिला तो 20 गो बांट दिया मुखिया अपना पॉकेट से, ज्यादा लगता है अलाव की व्यवस्था मुखिया अपना पकड़ सके से कहे बांट दीजिएगा, कहे जनता हमारा अभी है आगे आगे, ये मुखिया जी हम समर्थ हैं उतना बांटने में, लेकिन सरकार द्वारा हम बता रहे हैं, सरकार ने अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया, महिलाओं को आरक्षण दिया, अब 2500 वेतन मिल रहा है, ठीक बात है हम तो माने बैकवर्ड में है, कुर्मी जाति में है, हम संपन्न है मोटा मोटी कि हम 50 रुपये 4 रोज पिया सकते हैं, लेकिन बगल में रवि मुखिया दलित में है जो भूमिहीन है, इनका बगल में तो भूमिहीन है, इनको कहाँ से चाय पियावेंगे जो कोई एक खेत में नहीं है, बताइए ना। तो मानदेय के हिसाब से कम 10,000 होना चाहिए, ज्यादा होता ज्यादा बढ़िया था, पेंशन मिलना चाहिए,
हम तीन बार लगातार मुखिया है, पेंशन मिलना चाहिए ना, लेकिन विधायक एक बार बन जाएगा ना, दोबारा बनेगा ना, ओकरो मिलेगा, ओकरो मिलेगा। IMLC बन गया ना तो ओकरा अलग से, IMP बन गया ना ओकरा भी अलग, और राजसभा बन गया तो उसको अलग से, ये सिस्टम बनाए हुए है। आप लोग क्या चाहते हैं कि आप लोग को भी मिले? नहीं भाई, हमारा चाहना है कि एक ही बार मिले, दस बार नहीं मिले, कम से कम जैसे चुनाव जो व्यक्ति जीत गया उसको मंथली बढ़ाया जाए, और 10,000 रुपया कम से कम किया जाए, क्योंकि गाड़ी है, ब्लॉक में आना जाना है, तेल पानी तो जलता है ना। अब जब मुखिया नहीं बनेगा तो पूर्व मुखिया जो है वो कम से कम पेंशन तो मिलना चाहिए ना। अब विधायक है जो चार बार हारेंगे, चार बार जीतेंगे तो उनको चार चार बार बढ़ते जाएगा, हम मुखिया जी को एक बार भी नहीं मिलता है। हाँ आप बोलिए। जैसे जीते हुए प्रतिनिधि वो भी हैं, और जो भी जीत के आए हैं वो जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो जे देश एक है, कानून एक पर कर रहा है, तो ये नियम दो कैसे है, इसको भी एक करिए। जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं उनका पेंशन एक करिए, क्योंकि ये भी तो जनता से चुन के ही आए हैं, ये भी तो जनता का सेवक ही हैं। हाँ, जब हम जनता का सेवक सबसे ज्यादा ये भी कोई सेवक करता है तो पंचायत के मुखिया करते हैं, हर समय हर दुख में, चाहे वो बरसात हो, 10 बजे रात हो, कोई बीमारी हो, कोई घटना घट जाए, तो मुखिया जी का तो दरवाजा खटखटाते हैं लोग, और मुखिया जी कंधे से कंधे उसको मिला के चलते हैं। ये कंधे से कंधे मिलाने में पटना जिला के कई मुखिया ने शहादत दिया, कई मुखिया का हत्या हुआ, आज तक ले हत्यारा को फांसी नहीं पड़ा, आज तक ले हत्यारा को गिरफ्तारी नहीं हुआ, ये बिहार के दुर्भाग्य है। और आज हम लोग पूरे बिहार का मुखिया आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, यदि आज सरकार के चेतावनी है, नीरज मुखिया जो है फरीदपुर पंचायत के, तो ये चेतावनी है सरकार को, चाहे केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, ये चेतावनी है कि यदि मुखिया को आवाज को नहीं सुना जाएगा तो आने वाला दिन में बड़ी आंदोलन होगा, और इस सरकार को ईंट से ईंट बजा देने का मुखिया संघ ने काम करेगा, ये बताने के लिए मसौढ़ी में हम आए हैं कि हमारी जो अधिकार है उसके साथ छेड़छाड़ करना बंद करो, और मुखिया का जो अधिकार है उसको जमीन पर लागू करने का, पंचायत में जो ग्राम सभा है उसको लागू करने का करो, कर रहे हैं उसको करो, उसमें कटौती करने का काम मत करो, ये बताने के लिए हम लोग आए हैं। उम्मीद है कि हमारा ये प्रयास आप लोग को अच्छा लगा होगा। ये सभी लोग जो हैं बिहार के तमाम पंचायत से मुखिया हैं, आए हुए थे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देख रहे थे CKTV इंडिया न्यूज, चित्रंजन कुशवाहा के साथ पटना से, नमस्कार, जय हिंद।